वेलकम स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 1 जो नई स्टार्ट हुई है ना इस वीक से, सामाजिक विज्ञान SST क्लास 7। ये ऊपर हिंदी में लिखा है लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में है वर्कशीट। एनवायरनमेंट हम नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, 7वीं क्लास के लिए है। और एक आपकी 6 to 8 कॉमन वर्कशीट आती है, ठीक है बच्चों। चलिए एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, एक थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। ये रवि जो है उसने स्कूल जा रहा है तो उसके बारे में बात हो रही है कि आफ्टर लॉन्ग वेकेशन यानी लंबी छुट्टी के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल जाने लगा, ही नोटिस, उसने नोटिस किया कि द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग, मतलब उसके स्कूल के पास जो है प्ले ग्राउंड था उसे डग यानी खोद दिया गया था। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, यानी उसकी खुदाई कर दी गई। अब वहां पे क्या होगी, लोग क्या बता रहे थे कि वहां पे बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी, मतलब प्ले ग्राउंड पे बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी, कंस्ट्रक्ट होगी। अब रवि की आंखों में तो आंसू आ गए, क्यों, क्योंकि स्कूल के बगल में प्ले ग्राउंड है और बच्चे तो खेलेंगे ना प्ले ग्राउंड में। तो ऑलमोस्ट ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट अ बिग प्ले ग्राउंड जो है जिसमें इतने अच्छे अच्छे ग्रास थे, सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास प्ले ग्राउंड में तो होते हैं, ठीक है, मैरी गोल्ड बटरफ्लाई ये सब थे, और वो सब चले जाएंगे क्योंकि बिल्डिंग बन जाएगी तो वहां तो कुछ होगा ही नहीं, बचेगा नहीं ना। अब उसने ये फीलिंग अपने क्लासमेट्स, यानी क्लासमेट्स क्या होते हैं बच्चों, दोस्तों, क्लास के साथी दोस्त, उनसे शेयर की कि ऐसा ऐसा हो रहा है, भी हमारे स्कूल के बगल में प्ले ग्राउंड है और वहां पर बड़ी बिल्डिंग बनेगी, अब वहां के सब चीजें जो है खत्म हो जाएंगी, ग्रास मैरी गोल्ड बटरफ्लाई जो भी चीजें हैं नेचुरल चीजें। इन द असेंबली प्रिंसिपल टू सडनली ऑब्जर्व, प्रिंसिपल ने भी ऑब्जर्व किया, सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, हमारा एनवायरमेंट कितना चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल सर ने बोला। द क्लास, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछ ही लिया कि सर ये एनवायरमेंट क्या होता है, मतलब क्योंकि एक नया वर्ड आ गया प्रिंसिपल सर के मुंह से निकला एनवायरमेंट, तो रवि के दिमाग में आया कि ये एनवायरमेंट होता क्या है। तो उसने अपने टीचर से पूछा, वट एवर यू सी, अब टीचर ने क्या जवाब दिया, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, अपने आसपास तुम जो भी देखते हो ना वो सारा एनवायरमेंट है, ठीक है। रवि थॉट अलाउड, सोच रहा है कि दैट मीन्स स्कूल बिल्डिंग टेबल चेयर्स ये सब एनवायरमेंट है क्या, जो स्कूल है हमारा, टेबल्स हैं यहाँ पे, चेयर्स हैं, क्लासरूम में जो भी चीजें हैं, इवन दैट ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स, सबके सब क्या एनवायरमेंट के पार्ट हैं, सोचा उसने। तो यस, ये सारे एनवायरमेंट के पार्ट हैं। हमने कहा ना, जो चीजें आप अपने आसपास देखते हैं हर चीज एनवायरमेंट के अंदर आती है, तो वही एनवायरमेंट है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज विच यू आर एबल अराउंड योर यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, आपके आसपास क्या क्या नजर आती हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल इन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में क्या क्या चीजें, आपके घर में क्या क्या चीजें हैं बताइए, आपके घर में चेयर है ना, और क्या है, टेबल भी है, और क्या आपके घर में किचन के सामान है, किचन आर्टिकल्स है, किचन गुड्स बोल लो, और जो भी आपके घर में है वो सारा यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। रिसोर्सेज अवेलेबल नियर बाय हाउसेस, जो घर के आसपास के रिसोर्सेज, मतलब आपके जो अगल बगल में घर है वहाँ पे क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बताइए, बताना है ना, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल अराउंड यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, आपके घर के आसपास क्या है, जो नियर बाय हाउसेज हैं तो हाँ हम बता सकते हैं उनके घरों में भी क्या क्या चीज़ें, मान लो किसी घर में कार है, ठीक है, किसी घर में साइकिल है, किसी के घर में टीवी है, एसी है, या प्लांट्स हैं, किसी ने प्लांट्स लगा रखे हैं, तो आप ये बता सकते हैं, ये सब चीज़ें आप जो देखते हैं, जो भी देखते हैं बच्चों, वो यहाँ आप लिख सकते हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल इन द स्कूल, अब स्कूल में आपके क्या क्या नज़र आता है, स्कूल में भी आपको टेबल नज़र आती है और ब्लैक बोर्ड नज़र आता है ना, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, और क्या नजर आता है आपको, प्लेग्राउंड नजर आता है, नजर आता है ना, खेलते हैं प्लेग्राउंड, और आप आगे खुद लिखेंगे क्या आपको नजर आता है, क्लियर है। तो ये ओपन है, ये आंसर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे जो है,
और कमेंट में बताइएगा कि आपके स्कूल में और क्या क्या रिसोर्सेज हैं। अब आते हैं बायोटिक और अबायोटिक पे। बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वर्ल्ड ऑफ मतलब जितनी भी जीवित चीज़ें दिखते हैं ना, जो भी जीवित चीज़ें हैं, ठीक है, जो सांस लेती हैं, बड़ी होती हैं, अपने जैसे संतानें पैदा कर, उनको क्या बोलते हैं, बायोटिक। जैसे सारे प्लांट्स और एनिमल बायोटिक में आ जाते हैं, ठीक है। अबायोटिक क्या होता है, जो नॉन लिविंग है, बस ये वर्ड पकड़ना है, लिविंग नॉन लिविंग। तो जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स है उन्हें अबायोटिक कहते हैं। लैंड, लैंड के अलावा क्या हो सकता है बेटा, लैंड हो सकती है, एयर है, देखिए नॉन लिविंग है, और हवा हो गया, पानी, पानी हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो ये सारे अबायोटिक हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अबायोटिक हैं, आपके आसपास जितनी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कार, बस, ये सब भी चीज़ें हैं, सैंड वगैरह, रेत। तो चलिए आप क्वेश्चन के ट्राई करते हैं। ये आपको टेबल दे रखी है, इस टेबल से आपको रिसोर्सेज भरने हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए फॉरेस्ट बन रहा है। फॉरेस्ट क्या होता है, प्लांट से बनता है, एनिमल से होता है, एनिमल और प्लांट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये बायोटिक है, हम इसे बायोटिक में लिखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं सैंड, ये देखिए सैंड बन रहा है ना, सर्कल लगाते हुए करना है, तो सैंड नॉन लिविंग है इसलिए अबायोटिक है। और इसके बाद देखिए ये है कार, CAR, कार भी नॉन लिविंग होता है इसलिए अबायोटिक है। डेजर्ट किसे कहते हैं, रेगिस्तान को, नॉन लिविंग होता है, वो भी अबायोटिक है। और यहाँ पर हमें अमन दिख रहा है, AMAN, अमन एक लड़का होता है, यानी कोई मैन है, ह्यूमन बींग है, तो वो बायोटिक है, तो उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से हमारी छोटी सी वर्कशीट फिनिश होती है, इंट्रो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है, और जिसमें ऑल का नोटिफिकेशन होता है ना, ALL, उसको दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में आपके साथ।